मुझसे कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने आके बैठ गई हो। मैंने भी कह दिया, मैंने कहा ये मेरा घर है, मेरा सामने बैठना बुरा लग रहा है ना, तो निकल लो शाबाश, इतनी सारी बहुएं किसी के घर भी जाके रह लो। किस बात के पैसे देगी वो? अरे भाई आपको जरूरत थी ना पैसों की, तो मैंने अपने भाई से कहा उससे कच्ची के मैं दे दूंगा। मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगा, किसी का ऐसा लेने की जरूरत नहीं है मुझे। भाई आपका बड़ा मसला है, हर मामले में ना अपनी ना पूछी रखनी है आपने। अम्मा को मुतमईन करने के लिए तुम ये फ्लैट मेरे नाम कर दो ताकि शादी सुकून से हो जाए, उसके बाद मैं ये फ्लैट तुम्हारे नाम कर दूंगी। मैंने तो पहले से सोचा हुआ है। कैसा? अरे वली से बात हुई अम्मी आपकी? क्या कह रहा था? खुश है, काम अच्छा चल रहा है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। जमाल आज जरा जल्दी घर वापस आ जाना, मैंने नसीर और वासिफ को बुलवाया। नसीर और वासिफ को? वो क्यों? असराफ अम्मी देखें, माँ बाप की खिदमत करना औलाद का फर्ज होता है, और मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी बेटा इस हक से महरूम रहे। उन्हें ये फर्ज बताने के लिए ही मैंने आज उनको यहाँ बुलाया है। अजरा तुम कहना क्या चाह रही हो? यही कि अब आपको नसीर और वासिफ के साथ भी जाकर रहना चाहिए। आज मैं उनसे साफ साफ ये बात कह दूंगी और कोई भी मेरे बीच में नहीं बोलेगा। अम्मी अब थोड़े दिन के लिए चली जाए, इसी तरह जिद बहस करती रहेगी। मैं आपको असमा के घर छोड़ आता हूँ ना, बल्कि नसीर और वासिफ आ रहे हैं ना, वो आपको साथ ले जाएंगे। अम्मी अब यहाँ रहेंगी ना, ये बिला वजह आपसे लजती रहेगी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई ये बताओ, फैसलाबाद में बात बनी काम की? अरे अंकल कैसे बात ना बनती, मैंने आपसे कहा था ना काम हो जाएगा, और मैंने जमाल भाई से भी यही कहा था कि यहाँ का जो माल है वो ज्यादा भेजे, आधा हम यहाँ रखेंगे और आधा प्रॉफिट में आगे बढ़ा देंगे। बिल्कुल सही फैसला। वैसे एक बात है, जमाल ने जो तुम्हारे बारे में कहा था ना, बिल्कुल वैसे। पता है जमाल ने कहा, जमाल ने कहा कि अंकल मेरा छोटा भाई बहुत मेहनती है। बस अंकल आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और अम्मी भी यही चाहती हैं कि मैं जल्द से जल्द मेहनत करके सेटल हो जाऊं, और एक बार मेरी सेटिंग बन गई ना, अम्मी को मैं यही बुला लूंगा। भाई मैं तो ये मशवरा तुम्हें नहीं, ये उम्र में शहर बदलना तकलीफ दे हो जाता। तुम जिस्म ले आओगे, दिल उनका वहीं लगा रहेगा जहां सारी जिंदगी उन्होंने गुजारी। सही कह रहे हैं अंकल आप, मेरा भी जिस्म यहां है कि दिल वहीं लगा रहता है। भाई तुम तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अपने मुल्क में हो, उनके बारे में सोचो जिन्हें रोजी के चक्कर में मुल्क बदर होना पड़ता है। बड़ा तकलीफ दे मामला है। दिल तो कर रहा है मैं खुद अजरा भाभी को फोन करके पूछूं, आखिर वासिफ को बुलाया क्यों है? क्या हो गया यार? वासिफ आके तुम्हें बताता तो है। तुम फोन करोगी तो तुम्हें बताने के बजाय तुमसे लड़ने ही लगेंगी। हाँ तो मैं कौन सा फोन कर रही हूँ, मैं तो बस एक बात कह रही हूँ यार, बेचैनी हो रही है।
अच्छा ये बताओ, तुमने वो जेठ वाली बात बताई वासिफ को? जो तुमने उसे किसी लड़की के साथ देखा था? नहीं, मैंने बात नहीं की। यार फजूल में मेरा नाम आ जाएगा। जब अस्मा भाभी को पता चलना होगा, खुद पता चल जाएगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये भी ठीक है। तुम्हें बिनिश की कॉल आई? बिनिश की? नहीं तो। हाँ, आजकल में शायद वो तुम्हें कॉल करेगी। तुम्हें पता है उसकी शादी होने वाली है, तैयारियां शुरू कर लो। क्या सच में रिश्ता हो गया उसका? हाँ, कोई बाहर का लड़का है। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। कैसा दिखता है लड़का? पता नहीं, किसी को पिक्चर दिखाती नहीं है। मैंने भी उससे पिक्चर मांगी थी, मगर उसे सेंड ही नहीं की। चलो जब शादी में जाएंगे तो देख लेंगे। अब वैसे तुम भी अपना ना रिश्ता देख लो। अम्मी भी यही कह रही थी। और बताओ, और क्या हो रहा है? तो फिर उसका क्या बना? नसीर, लो बेटा गरम गरम कबाब खाओ, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। देखा मेरी मामा कितनी अच्छी, अभी से अपने दामाद की खिदमतें करनी शुरू कर दी। दामाद नहीं, बेटा है ये मेरा। अरे आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? मैं बाजार से कुछ लेता हुआ आ जाता। अरे तो कल शाम को ले आना ना, इसमें कौन सी बड़ी बात। अभी तुम ये कबाब खाओ और फिर हम ना घूमने जाएंगे। वाह आंटी, क्या बात है, बहुत मजे के। शुक्रिया बेटा। देखो जरा, तुम आए बैठे हो और नसीर का कुछ पता ही नहीं है, जबकि दोनों को मैंने एक ही टाइम दिया था। और जमाल भी आज पता नहीं कहाँ रह रहे। खैर, जमाल का होना इतना जरूरी नहीं है, बात तो मैंने ही करनी है। भाभी आखिर बात क्या है, बताए तो। भाई बात सीधी सी है, मैंने बहुत खिदमतें कर ली तुम्हारी अम्मी की, अब इंसाफ का तकाजा ये है कि दूसरी बहुएं भी ना जरा अपना फर्ज निभाएं और उनकी खिदमतें करें। अस्मा का तो खैर रहने दो, असल फर्ज तो बनता है तुम्हारी बीवी फरहत का। वो तो बड़ी फायदे में रही भाई है, शादी के चंद महीने बाद ही निकल गई घर से। भाई हम तो शादी के दिन से आज तक चक्की में ही पिस रहे हैं। बहुत खिदमतें की मैंने तुम्हारी, तुम्हारे घर वालों की, तुम्हारी अम्मा की। तुम्हारी बीवी ने तो कुछ दिन रह के और ये जा वो जा, तो सूलत तो तुम्हारी बीवी का फर्ज बनता है कि तुम्हारी माँ की खिदमतें करे। अब वो भाभी साफ लफ्जों में बात करें, इतनी तमीज मत माने। तो अंग्रेजी तो बोल नहीं रही मैं, है सीधे सीधे ही बात कर रही हूँ मैं। अब देखो जरा, जब तुम्हारे अब्बा बीमार हुए थे, अस्पताल के बिल के पैसे मांगे थे तुमसे, कितना फसाद मचाया था तुम्हारी बीवी ने, है? इतना फसाद मचाने वाली बात नहीं थी वो। और अब उसको इतनी गैरत नहीं आ रही कि जरा पूछ ही ले अम्मी की खैर खबर, उनको ले जाए अपने घर में कुछ दिन के लिए, है? और तुमने पूछा कि हम किस तरह खर्चा उठा रहे तुम्हारी अम्मी का? तो आप क्या चाहती हैं, मैं अम्मी के खर्चे के पैसे दूं? ये मेरे हाथ जुड़े भैया, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। पहले ही तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का जर्फ आजमा चुकी हूँ मैं। अब ये मुसीबत नसीर आए तो मैं अपना फैसला बताऊँ। आप मुझे अपना फैसला सुना दें, मैं बता दूंगा नसीर भाई को। तो मैं सीधी बात करूंगी, अम्मी को अब तुम अपने साथ ले जाओ, ठीक है? कि मैं अब इस घर में तुम्हारी अम्मी को नहीं रखने वाली, ठीक है? तुम दोनों भाई आपस में फैसला कर लो कि कौन अम्मी को रखेगा, क्योंकि मुझसे नहीं होती अब उनकी खिदमतें। अब तुम्हारी बीवियां भी जरा खिदमतें करें। एक महीना तुम रख लो, एक महीना नसीर रखेगा, एक महीना उनका दिल करेगा तो वलीद के पास लाहौर चली जाएंगी, और फिर मैं भी रख लूंगी उनको। बस अब मुस्तकिल मैं नहीं रखने वाली उनको। फोन मिलाओ जरा नसीर को। अच्छा रुको, मैं खुद ही करती हूँ। तुम भी खा लो, तुम क्यों नहीं खा रही? देखो मेरे दिमाग से निकल गया था, अजरा भाभी का फोन आ रहा है। क्यों? पता नहीं, कोई बात करनी थी उन्होंने, घर पे बुलाया था। हाँ तो उनसे कह दो ना कि तुम दुकान पे फंसे हुए हो, तुम नहीं आ सकते। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम अजरा भाभी। हाँ भाई नसीर, कहाँ रह गए हो तुम? दुकान पर हूँ, काम है यहाँ पे, मैं आज नहीं आ सकता। चलो भाई ठीक है, ना आओ। मैंने वासिफ को बता दिया है, उससे पूछ लेना कि क्या बात है, ठीक है?
अच्छा देख लिया तुमने, ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी है ये। इसको मैंने कहा भी था कि अम्मी के बारे में जरूरी बात करनी है, फिर भी नहीं आया ये। छोड़ो ना, खाओ। बस आंटी काफी खा लिया, तो सोडा पीने चलते हैं। सोडा पीने चलते हैं, ठीक है चलते हैं। अभी अम्मी पता नहीं कौन से चिल्ले पढ़ने बैठ गई हैं इस वक्त, नमाज ही नहीं खत्म हो रही उनकी, चिल्ले कर करके घर का माहौल खराब किया हुआ है। चाय पियोगे तुम? भाई पियो या ना पियो, मैंने तो इसलिए पूछ लिया कि कल को ये ना कहो कि भाभी ने चाय पानी का नहीं पूछा। बोलो तो खाना भी पड़ा हुआ है, बस बोटी नहीं है उसमें, शोरबा और आलू है, बोलो तो ला दूं? नहीं खाना भाभी। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे भाई अम्मी कहाँ रह गई, आ जाए, वहां से इंतजार कर रहे हैं आपका। आ गया। अजय मैं अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। चनन इधर आ जा। वो दूसरा कमरा सेट कर दो, अम्मी हमारे साथ रहेंगी। शुक्र है तुम्हें फुर्सत तो मिली। यार समन इतना ज्यादा लोड है ना मुझ पर कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन अच्छी बात यह कि मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है और इस महीने अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है मुझे। हाँ तो कैसे नहीं होगा प्रॉफिट तुम्हें वलीद, तुम्हारे लिए दिन रात दुआएं जो करती हूँ मैं। अच्छा मतलब मेरी सारी मेहनत तेल लेने चलेगी, सिर्फ तुम्हारी दुआओं का असर है। बिल्कुल सही बोला तुमने, मेरी बात सुनो,
मेहनत रंग नहीं लाती जब तक पीछे कोई दुआएं करने वाला ना हो। अच्छा ठीक है भाई, सारा क्रेडिट तुम ले लो, खुश हो गई हो अब? अच्छा भाई, मुझे मेरी दुआओं का क्रेडिट मत दो, लेकिन बेबी पाजी की दुआओं को कभी मत भूलना। यार अम्मी को तो मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं भूल सकता। अगर अम्मी खुद जिद ना करती तो मैं कभी भी उनको अकेला छोड़कर लाहौर ना आता। तो अब क्या तुम लाहौर में ही रहोगे? नहीं नहीं, जमाल भाई कह रहे थे कि एक बार काम अच्छा चलना शुरू हो जाए तो फिर आते जाते रहना, अभी तो हर चीज पर मुझे खुद ही नजर रखनी पड़ रही है। जमाल भाई खुश तो हैं तुम्हारे काम से? बहुत ज्यादा। तुम बताओ शनाज आंटी कैसी हैं? अम्मी ये पानी लेके आया हूँ, कुछ और चाहिए तो बता दीजिएगा। क्या हुआ हमें, क्या सोच रही है? मिल कर आके खुश नहीं है? नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हारे अब्बू याद आ रहे थे मुझे। पर जाओ जाओ जाके सो जाओ, तुमने तो दफ्तर जाना है ना। कर होती है वासिफ, अगर अजरा भाभी ने तुम्हें बोल दिया था तो तुम अम्मी का सामान लेकर यहाँ आ गए। तो और मैं क्या करता? नसीर भाई का इंतजार करते, वो नहीं आ रहे थे, उन्होंने मना कर दिया था। मुझे अगर मालूम होता ना कि अजरा भाभी तुम्हें इसलिए बुला रही हैं, तो मैं तुम्हें कभी जाने ही नहीं देती। तुमने देखा कितनी चलाकी से उन्होंने अम्मी को हमारे घर भिजवा दिया। तुम कैसे रिएक्ट कर रही हो? अगर अम्मी हमारे साथ रहेंगी तो उसमें क्या हर्ज है? बात ये नहीं है कि अम्मी हमारे साथ रहेंगी या नहीं, बात ये है कि अजरा भाभी ने कितनी चलाकी और मक्कारी से उन्हें हमारे घर भिजवा दिया। और अगर अजरा भाभी ने कह भी दिया था कि तुम उनको ले जाओ तो तुम अस्मा भाभी क्या ले जाते, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? तो अब तो ले आए हो ना, तो अब वो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहेंगी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या सास अपनी बहू के साथ ही रहती? तो मैं वाहिद बहू तो नहीं हूँ ना वासिफ। मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम्हारा फोन रह गया था, वो देने आ रही थी। आप खुद ही तो कहते हैं कि इनको इनके हाल पर छोड़ दो,
और खुद इतने परेशान हो रहे हैं, इतना सोच रहे हैं। मैं उनके लिए नहीं सोच रहा, तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। वो वासक ले गया था आकर, अब वो वहीं रहेंगी। क्यों? क्यों क्या मतलब भाई? तुमने और मैंने बहुत खिदमतें कर ली उनकी, अब उनको भी पता चले कि बहुओं का फर्क क्या होता है, कौन बहू अच्छी है कौन बुरी है। रहेंगी ना उस मीसनी फरहत के घर, तो लग पता जाएगा उन्हें। ए रक्षी, वो सलमान तुम्हें फोन कर रहा है और तुम उठा रही हो। उठाओ उसका फोन। अभी मेरा वोट नहीं है उसके मुंह लगने का, फिलहाल मैं नसीर पे फोकस कर रही। सोचो जरा, उसने अपना फ्लैट मेरे नाम कर दिया तो करोड़ 2 करोड़ की मालकन बन जाऊंगी मैं। ऐ बस यानी इतनी फेंका ना कर, ये जो तेरी शेख चिल्लियों वाली आते हैं ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। याद है वो बिल्डर का जो बेटा था, कैसे कैसे ख्वाब दिखाता था तुझे। वो क्या बोलता था, मैं तुम्हारे नाम अगली बिल्डिंग में ना एक फ्लैट लिख दूंगा। बाद में क्या बोला, मेरे अब्बा ने इनकार कर दिया। तौबा तौबा, बड़ी ही नाशुक्री हो तुम। अरे अगर उसने हमें जमीन का टुकड़ा नहीं दिया तो क्या हुआ, लाखों रुपए खर्च किए हम पे और माशाल्लाह से बराबर की हिस्सेदार रही हो खाने में तुम। बस बस कर दो, ये अमीरजादे होते ही ऐसे हैं। लेकिन इस बार ना रक्षी का तीर जाया नहीं होगा, निशाने पे लगेगा जाके। चलो सलमान को फोन करो। अरे अल्लाह कसम से गुलशन आरा, यकीन मानो ये ससुराल की झंझट से ना जान छुट जाती है ना, सुकून मिल जाता है जिंदगी को। इतने सुकून में हूँ अल्लाह का शुक्र है भाई मैं। आई मैं एक बात तो बताओ मुझे, ये तुम्हारी सास जब जा रही थी तो वो कुछ बोली नहीं कि मैं नहीं जा रही वगैरह वगैरह हैं? ऐसे कैसे बोलती भाई है, मैंने कोई ठेका उठाया सारी जिंदगी का उनका? मैंने तो सोच लिया था कि अगर वासिफ और नसीर आके नहीं लेकर गए ना तो मैं रक्षे में बिठा के उनको चलता कर दूंगी। वैसे एक बात है, जिंदगी में सुकून आ गया होगा तुम्हारी है, सुक्का सांस लोगी अब तुम भी। आई हाँ ये बताओ शॉपिंग पे कब चलना है, और वो जो बेडशीटें नहीं थी वो भी तो वापसी करनी है ना। अरे अब तो मैं आजाद हूँ, जब चाहूँ जहाँ जाऊँ जहाँ क्यों कुछ भी करती फिरूँ। पहले कितना मसला था, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, किस लिए जा रही हो, कब वापस आओगी, बड़ी भी के तो सवाल ही खत्म नहीं होते थे। अब ना मैं किसी से इजाजत लेने वाली और ना ही किसी को जवाब देने वाली। इसे अजरा तुम मानो या ना मानो, ये जितनी भी तुम्हारे घर के अंदर करामतें दिख रही है ना, ये वही पीर साहब की बदौलत है। भाई तुझे ना अपनी मैं करने का बड़ा शौक है, उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाती है। जितना अच्छा अच्छा हुआ सब तुम्हारी वजह से हुआ दुनिया में है ना, जबकि मेरे साथ जितना बुरा हुआ है ना सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बड़ी तोता चश्म औरत है वैसे तू। क्या बात, इतनी बुरी चाय पिला। यार जब से अम्मी आई है ना सारा रूटीन ही डिस्टर्ब हो गया, दिन का खाना अलग बनाना पड़ रहा है, रात का अलग। मैंने तो वासिफ से कह दिया हम महीने का खर्चा दे देंगे अम्मी को, लेकिन प्लीज उनको भेज दे। तो क्या कहा वासिफ ये, वो क्या बोलेगा यार, बहस पर ही बात खत्म हो गई, मसले का हल थोड़ी निकाला उसने कोई। लेकिन मैंने सोच लिया मैं अम्मी को अपने साथ नहीं रख पाऊंगी। और तुम्हें पता और भी बातें वो कर रही थी।
कल आपकी तबीयत तो ठीक है? आज आप जल्दी आ गए, मैं मस्जिद में देख रहा था आपको। हाँ बस चक्कर आ रहे थे तो मैं फर्श पड़ गया, आप वापस आ गए। आप एक काम करें, आप घर चले जाएं, मैं दुकान संभाल लूंगा, बेफिक्र रहें। मैं भी यही सोच रहा। वैसे तुम्हारे आने से मुझे बड़ा हौसला हो, और पता है जब मैं सिद्दीकी से कहता था कि यार सिद्दीकी अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी, तो पता ही क्या कहता था, कहता था मुदस्सिर मेरी औलाद को तुम अपनी औलाद समझो, और कहता था कि मैं अपना एक बेटा तुम्हारे साथ जरूर लगाऊं। पर देखो जमाल ने तुम्हें मेरे पास भेजकर उसका वादा पूरा कर। भाई अब एक नई दुकान में पैसे लगा रहा हूं, कम से कम मुझे यह इत्मीनान है कि उसे देखने वाला कोई होगा मेरे साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, अब आप बेफिक्र होकर घर जाएं, मैं संभाल लूंगा दुकान। बस अब्बू के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। सिद्दीकी ने अपने बेटों की तबीयत बहुत अच्छी की, अब जैसे तुम हो, सादतमंद भी हो, मेहनती भी हो, तुम्हारे बाकी भाई भी ऐसे ही हैं। चलो मैं चलता हूँ। चलो वासिफ खाना शुरू करो। अम्मी को आजा दो। अम्मी जानबूझ के देर से आती है, मुझे लगता है वो ये सब अटेंशन लेने के लिए करती है। वैसे भी इंसान को इस उम्र में अटेंशन सीकर बनने की आदत हो जाती है, पता नहीं उन्हें क्या मिलता है ये सब करके। तुमने बताया था अम्मी को? क्या मतलब बुलाया था, उनको पता नहीं है कि तुम जब ऑफिस से आते हो उसके बाद फिर हम खाना खाते हैं साथ? डेली इन्विटेशन जाकर दो उन्हें। तुम चलो खाना निकालो, ये लो ठंडा हो जाएगा। वासिफ रिस्क को इंतजार नहीं करवाते। रोटी देना। ये लो रोटी लो, शुरू करो। मिस बंदा जैमी, आप कहाँ रह गई थी? वलीद का फोन आ गया था, कह रहा था कि काम बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने सोचा जल्दी से शुक्राने के नफल पलटूं। अम्मी आप बाद में पढ़ लेती, हम इंतजार कर रहे थे। इंतजार तो कोई ना किया तुमने। Thank you.
वासिफ, तुमने देखा था टेबल पे अम्मी को? जब मैंने अम्मी को बोला कि हम खाने के लिए आपका इंतजार कर रहे थे, तो कैसे टिका के जवाब दिया था उन्होंने मुझे। छोड़ो ना यार, तुम एक एक बात पकड़ कर बैठ जाती हो। बात नहीं लेकर बैठ रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ये रियलाइज करवाना चाह रही हूँ कि उनके यहाँ रहने से ना हम कंफर्टेबल हैं और ना वो खुद। वासिफ मेरी बात सुन, तुम जमाल भाई और नसीर भाई से बात करो ना। याद है अज़रा भाभी ने अपने मुंह से कहा था कि अम्मी को एक एक महीना सब भाई रखेंगे, तो ये ठीक है ना? ऐसे कर लो। बोल दूंगा, अभी एक महीना तो पूरा होने दो। हर वक्त बात कर लो, इससे बात कर लो, दिमाग खराब किया हो। जी मिसेज अलवी, जी 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 जी, पैसे मिल गए, बहुत शुक्रिया। 3 दिन तो लगेंगे। नहीं, कल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो दरअसल मेरे शोहर जब घर पर होते हैं ना, तो मुझे थोड़ी देर रोकना पड़ता है काम। हमें देखे मेरे एक्सीलेंट आए। जी बेहतर, ओके, खुदा हाफिज। अरे वाह, शाबाश अम्मी। अब आप जल्दी से दादी को कॉल कर दे, उन्होंने कहा था कि वो मुझे आरसी कार्ड दिलाएंगी। वो तो मैं दिला दूंगी, लेकिन अब वो आपको पैसे देंगे ही नहीं। उन्होंने तो पहले ही पैसे दे दिए, देखो। लेकिन ये तो आपके हैं ना। अच्छा, दादी को तो आप जल्दी से फोन करके बता दें। अच्छा बाबा, ला देती हूँ। बेल तो जा रही है, फोन नहीं उठा रही। आप ताई को करें, वो उठा लेंगी। अच्छा, हाँ अस्मा बोलो। अस्सलाम वालेकुम अज़रा भाभी। वो मैं अम्मी को फोन मिला रही थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही, इसलिए मैंने सोचा कि आपके नंबर पे कर लो। अम्मी तो वासिफ के घर चली गई, तुम्हें नहीं बताया उन्होंने? नहीं, मेरी बात नहीं हुई उनसे। हाँ, वो वासिफ ले गया था आकर, अब वो वहीं रहेंगी। क्यों? क्यों क्या मतलब भाई? तुमने और मैंने बहुत खिदमतें कर ली उनकी, अब उनको भी पता चले कि बहुओं का फर्क क्या होता है, कौन बहू अच्छी है कौन बुरी है। रहेंगी ना उस मीसनी फरहत के घर, तो लग पता जाएगा उन्हें। और हाँ, वासिफ खुद से आके लेके नहीं गया है, मैंने गैरत दिलाई है तो लेके गया आके। अच्छा चलिए, मैं वासिफ के नंबर पर बात कर लूंगी अम्मी से। और हाँ सुनो, वासिफ से बात हो तो उसे ये मत कह देना कि अम्मी को तुम्हारे घर छोड़ जाए। रहने तो अभी उनको उस फरहत के घर पर, उस घुन्नी को भी पता चले ना जरा करे सास की खिदमत है, और इनको भी पता चले कि बहुएं ऐसी भी होती हैं गुन्नी इसके जैसी। अरे मैंने तो कहा था कि मेरी खाला की बेटी से कर दो वासिफ की शादी, लेकिन नहीं मानी बड़ी भी, अब भुगते। जाने देना भाभी पुरानी बातों को। अरे ऐसे कैसे जाने दो? क्यों जाने दो है? जब मैंने इनसे कहा था कि ये लड़की सही नहीं है, मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ, मैं भाप गई थी कि वो सही नहीं है, लेकिन ये नहीं मानी। अब पता चलेगा इनको, जब करेगी ना फरहत इनकी ऐसी की तैसी। भाभी मैं आपसे ना बाद में बात करती हूँ, मैं जरा शाहजेब को खाना दे दूँ। हाँ जो भी करो कर लो, लेकिन मेरी बात समझ में आ गई ना तुमको? कोई जरूरत नहीं बुलाने की, रहने दो उन्हें फरहत के घर पे, समझी तुम? जी जी समझ गए, ठीक है। जी जी तो कर रही है, लेकिन सुनेगी नहीं मेरी।
कहीं जा रही हो तुम? हाँ, वो मेरी दोस्त की शादी होने वाली है ना, तो अपने लिए जोड़ा देखने जा रही थी। मैं चलूं तुम्हारे साथ? अम्मी आप क्या करेंगी? मेरी दोस्त है ना सारा, वो है मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए, और वापसी में वासिफ हमें लेता हुआ घर आ जाएगा। आप आराम करें। हाँ, क्या हुआ जमाल भाई, क्या सोच रहे हैं? अब तो खाम माल की पेमेंट भी क्लियर कर दी हमने, अब क्या परेशानी है? आम माल तो खरीद लिया हमने, लेकिन अमीन भाई ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया हमारा। क्यों? यही तो समझ में नहीं आ रहा यार, किसी ने कम रेट पे उन्हें माल देने का वादा कर लिया है। लेकिन अमीन भाई तो हमारे अलावा माल किसी से बनवाते ही नहीं है। यही तो समझ में नहीं आ रहा यार, हम तो कम मार्जिन पे माल देते हैं, फिर भी उन्होंने ऐसा कर दिया हमारे साथ। दूध तो है ही नहीं। कुछ ढूंढ रहे हैं आप? मैं ढूंढ देती हूं। फ्लैट की फाइल कहाँ है? इस कबर्ड में होती है। ये ढूंढ रहे हैं। यहां किसने रखी है? आपने खुद ही रखी थी।